कि जब तक भीतर के लोग, सिस्टम के लोग जब तक पकड़े ना जाएं, तब तक पेपर का कोई डेट ना अनाउंस किया जाए, पहले पकड़ा जाए, पहले सफाया, उसके बाद पेपर। कल हमने जब सुना पेपर रद्द कर दिया गया, थोड़ी सी तसल्ली मिली, लेकिन खुशी नहीं कह सकते इसको आप? खुश हैं, लेकिन एक डर भी है। क्या डर? अब क्या डर हो गया? एक डर है ना, जो सार के बैठे हैं ना, उनसे डर है। बड़े सार को जब तक नहीं पकड़ा जाएगा, पेपर फिर से लीक होगा। काफ़ी बार ये पेपर लीक नज़र के सामने आ जाता है, काफ़ी बार ये नज़र के सामने नहीं आता। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि TRE 3.0 का जो पेपर था वो कल देर शाम रद्द कर दिया गया। लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा आवाज़ उठाई जा रही थी, रद्द करने की मांग की जा रही थी। देखिए मेरे साथ कुछ शिक्षक अभ्यर्थी है, हम इन लोग से बात करें। कल पेपर देर शाम रद्द कर दिया गया, कैसे देखते हैं? पेपर तो रद्द होना ही था जी। हमारे दिलीप भैया एक बिगुल फूके थे कि अगर परीक्षा कैंसिल नहीं होगी तो आज के दिन ही आंदोलन होना था। सबको पता था ये चीज़ कि पेपर कैंसिल हुआ है बिना किसी संलिप्तता के, वो चाहे का सरकार के आदमी हो, सरकारी तंत्र में बैठे हों, BPSC आयोग के में बैठे हों, है ना। विशाल चौरसिया एक तो छोटा मछली है, जो सार्क बैठे हैं ना सिस्टम में, वो चाहे सरकार में बैठे हों, आयोग में बैठे हों, उनको पकड़ने की ज़रूरत है, उनको धर दबोचने की ज़रूरत है, ताकि इन फ्यूचर ऐसा कोई काम नहीं हो पाए। और बिना साफ सफाई के कोई एग्ज़ाम नहीं ली जाए। ये TRE 3 जो एग्ज़ाम कराने की बात हो रही है, जब तक सिस्टम में बैठे लोग, जो करप्ट लोग हैं, जो इस संलिप्त हैं इस परीक्षा पेपर लीक में, उनको पहले धर दबोचा जाए। आप लोग रद्द करने की मांग कर रहे थे, रद्द हो गया जी। शिक्षक अभ्यर्थी खुश है ना जी? जी खुश हैं, लेकिन एक डर भी है। क्या डर? अब क्या डर हो गया? एक डर है ना, जो सार के बैठे हैं ना उनसे डर है। अच्छा, जो अंदर सार के बैठे हैं, हाँ उनसे डर है, डर है, उनसे डर है। और डर इन लोग से भी है जो सिस्टम को नचा रहे हैं। कुछ शिक्षक लोग हैं, कुछ नेता लोग हैं जो क्रेडिट चोरी करने में लगे हुए हैं। क्रेडिट नहीं मिलेगा, नहीं मतलब दिलीप भैया का संघर्ष उनको मिलना चाहिए, उनका क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। कोई अगर नेता कहता है, बहुत तरीके का प्रलोभन देता है जी, है ना, कि मुआवजा के रूप में 3,000, 5,000, 10,000 दे दिया जाए, हमको नहीं चाहिए मुआवजा। मतलब मुआवजा नहीं चाहिए? नहीं, नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए, और जिसको क्रेडिट मिलना चाहिए क्रेडिट उसी को मिलेगा। कोई क्रेडिट चोरी करने की कोशिश ना करे, नहीं तो क्रेडिट चोर कहलाएंगे। क्रेडिट चोर कहलाएंगे, क्योंकि हमारा चैन, हमारी नींद सब लोग चुरा चुके हैं वो लोग। अब क्रेडिट ना चुराएं, उनसे हाथ जोड़ के विनती है, क्रेडिट ना चुराएं। ना पेपर आप ही दिए थे ना जी, लगातार आप लोग रद्द करने का मांग कर रहे थे, अब कल देर शाम रद्द भी कर दिया गया। कितने खुश हैं ये बताइए? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारे बात को मजबूती से उठाया। अभी जैसा हमारे साथी छात्र ने बताया कि क्रेडिट की होड़ लगी हुई है, लेकिन हम इसको लेने नहीं देंगे। हम छात्र को पता है कि हमारे लिए निष्पक्ष तरीके से कौन खड़ा था, वो खड़े थे दिलीप भैया। बहुत सारे नेता हैं जो पहले कहते थे विपक्ष में रहते हुए कि 4,000-5,000 मुआवजा देना चाहिए, छात्रों का खर्च होता है, और आज की डेट में वो इसकी मांग नहीं उठाते हैं। सत्ता में आने के बाद भी वो नहीं उठा रहे हैं। तो ये छात्र समझ रहे हैं, पेपर लीक तो हो गया, पेपर लीक होने के बाद आज दबाव के बाद जा कर के बिहार पुलिस के दबाव, छात्र नेता दिलीप के द्वारा दबाव के कारण ये जाकर पेपर को कैंसिल किया गया है। लेकिन छात्र इसे खुश पूरे तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? आप क्यों खुश? उसका कारण है कि फिर से जल्दी से परीक्षा करा दी जाएगी, और जो बड़े सार, जैसा हमारे भाई ने बताया, बड़े सार को जब तक नहीं पकड़ा जाएगा, पेपर फिर से लीक होगा। काफ़ी बार ये पेपर लीक नज़र के सामने आ जाता है, काफ़ी बार ये नज़र के सामने नहीं आता, तो फिर क्या होता है, कट ऑफ बढ़ जाता है। कट ऑफ बढ़ने से क्या होगा, हम योग्य अभ्यर्थी, शायद सुयोग्य ना हो किन्हीं के शब्दों में, पर योग्य अभ्यर्थी अयोग्य हो जाते हैं अपनी नज़रों में भी। मतलब पेपर रद्द हुआ, लेकिन डर है, डर फिर से परीक्षा होगा तो कहीं सभी छात्रों के मन में ये डर है कि कहीं ये फिर से अगर गड़बड़ी हुई और मैनेजमेंट अच्छा किया गया ताकि ये लीक की खबर भी बाहर ना आ पाए, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। जैसे TRE 2 में सप्लीमेंट्री का हक हमसे छीना गया, TRE 3 में पेपर लीक कर दिया गया, और फिर से री एग्ज़ाम में अगर ये गड़बड़ी होती है तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे जी। कैसे देखते हैं कल देर शाम पेपर रद्द कर दिया गया, ये बताइए। देखिए, पेपर रद्द करना इतनी बड़ी बात नहीं है, जितनी बड़ी बात है पेपर को लीक कराना। कभी अंदर से लीक हो जाता है, हम लोग को पता नहीं चलता है, कभी लीक हो जाता है, बाहर आ जाता है, हम लोग को पता चल जाता है। कल हमने जब सुना पेपर रद्द कर दिया गया, थोड़ी सी तसल्ली मिली, लेकिन खुशी नहीं कह सकते इसको आप? तसल्ली मिली, खुशी नहीं। खुशी नहीं, खुशी किसको कहते हैं? जब पेपर सुचितापूर्ण तरीके से कर दिया जाए, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, ना अंदर से ना बाहर से, कोई भी सिस्टम में करप्ट ना हो, और पूरे तरीके से पेपर को सुचितापूर्ण से कराया जाए, तब हम लोग को खुशी मिलेगी। कहाँ लगता है आप लोग, क्या लगता है कहाँ
मतलब सिस्टम में दोष हो जा रहा है जी। सिस्टम में आपके सामने यूएई की रिपोर्ट आई, उसका शक पहले आयोग के ऊपर और उसके साथ साथ प्रिंटिंग प्रेस के ऊपर गया। दो ही मछलियां बड़ी थी जिनके अंदर पूरा तरीके से ईओ ने जांच किया और शक बताया सीधे सीधे कि आयोग के ऊपर भी शक है घेरे में और प्रिंटिंग प्रेस भी। अब अंदर से कौन क्या कह रहा है ये हम नहीं जान सकते। ईओ के ऊपर कितना प्रभाव दबाव पड़ा होगा उसके बावजूद भी ये रिपोर्ट बाहर आई। आप भी जान रहे हैं प्रशासन से बढ़कर मतलब ईओ मुख्यमंत्री से बड़ा या किसी राजनेता से बड़ा नहीं हो जाएगा। प्रशासन के ऊपर जब दबाव पड़ेगा तो वो रिपोर्ट तब भी इतने प्रशासन के दबाव के बावजूद भी वो सीधे सीधे कह रहा है, इतने बड़े आयोग के ऊपर लांछन लगाने को तैयार था कि आप अपने सिस्टम को मत डिस्टर्ब करिएगा, हम सिस्टम तक की जांच करेंगे जिस कंप्यूटर से पेपर बना था सॉफ्ट कॉपी वगैरह हर चीज की। और बाद में पता चलता है कि प्रिंटिंग प्रेस, आखिर ये दबाव के कारण तो नहीं कहा जा रहा कि प्रिंटिंग प्रेस वाले संलिप्त हैं, तो इसमें क्या है? खुशी उसी दिन होगी जिस दिन पूरा पेपर शुचितापूर्ण यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ हम लोग के सामने आएगा, तभी खुशी होगी। महिला अभ्यर्थी पुरुष अभ्यर्थी 1000 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं खड़े होकर, दो दो तीन तीन चार चार महीने का बच्चा लेकर आ रहे हैं पूरे रास्ते और जा रहे हैं उसी पैर से और घर भी नहीं पहुंचे रहते, पता चलता है पेपर लीक हो गया। आप स्वयं बताइए कि ये सब कैसा लगेगा आपको अगर हमारे आपके घर से कोई जा रहा है, मैं स्वयं यहाँ आ रहा हूँ तो अगर मैं यहाँ से निकलते हुए मुझे तुरंत पता चल जाए कि पेपर लीक हो गया, फिर पेपर अगर काफी तकलीफ होता है सुनने को, बहुत बहुत दुख होता है ये जान के चलिए। आप बताइए पेपर रद्द करने की मांग कर रहे थे आप लोग, पेपर रद्द हो गया है, हम लोग के लिए खुशी तो है फिलहाल, लेकिन ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन हो गया हमारा सॉल्यूशन नहीं हुआ है हम, लेकिन फिर भी धन्यवाद देना चाहेंगे दिलीप भैया हमारे छात्र नेता को कि उन्होंने हम लोग के साथ मजबूती से खड़ा होके इसको कैंसिल करवाए। लेकिन अभी भी हमारी मांग है कि जब तक भीतर के लोग सिस्टम के लोग जब तक पकड़े ना जाएं तब तक पेपर का कोई डेट ना अनाउंस किया जाए, पहले पकड़ा जाए, पहले सफाया, उसके बाद पेपर। कौन लोग थे उसको पहले हाँ, कौन लोग थे जो बता रहे थे कि हम पेपर कलकत्ता में छप रहा है? हमें तो नहीं पता था, आपको पता था क्या कि पेपर कलकत्ता में ही छपता है, किस प्रिंटिंग प्रेस में छपता है? तो बताने वाले लोग थे सिस्टम जो बैठे हुए हैं, जो माफिया हैं, शिक्षक माफिया हैं, जो बीपीएससी के लोग हैं या नेता हैं, बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं, तो वो कौन हैं? पहले उनको पकड़ा जाए, उसके बाद कार्रवाई हो, स्पीडी ट्रायल हो, उसके बाद पेपर का डेट आए और स्वच्छतापूर्वक पेपर करवाया जाए। अच्छा आप क्या लगता है अगर अगली तिथि जारी होगी पेपर की तो अब जो शिक्षा अभ्यर्थी है अब क्या सरकार से मांग करते हैं? मैं तो कहता हूँ अभी अनाउंस ना हो जब तक साफ सफाई अंदर ना हो, जब तक अंदर साफ सफाई नहीं हो। ये जो सपने हमारे सपने बेचने वाले और हमारे सपने खरीदने वाले, जब तक एक एक आदमी अंदर ना हो तब तक पेपर कंडक्ट ना करवाई जाए, क्योंकि हमारे सपने इतने सस्ते नहीं हैं जो 10-12 लाख में बिक जाए। और ये जो लोग हैं ना जो हजारों करोड़ का व्यापार कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, उनके शिक्षा के अभ्यर्थियों का सपना 10-12 लाख में खरीद ले रहे हैं और खुलेआम खरीद रहे हैं। देखिए ना कितने लोग संलिप्त हैं, कितने लोग पकड़े गए हैं, तीन ही सौ लोग हैं। क्यों नहीं मुख्यमंत्री जी एक जांच बैठाते हैं, एक गहरी जांच, अंदर में बैठे लोग पकड़े जाएं, उनकी छवि धूमिल हो रही है, बिहार की छवि धूमिल हो रही है, आयोग की छवि धूमिल रही है। कैसे लोग सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं जो एक आयोग और एक स्टेट की छवि धूमिल हो रही है। चलिए तभी आपने देखा मेरे साथ शिक्षा का अभ्यर्थी थे, आपको बता दें कि जिस तरीके से TRE 3.0 पेपर लीक मामले को लेकर लगातार जो शिक्षा का अभ्यर्थी थे वो पेपर रद्द करने की मांग कर रहे थे, कल देर शाम पेपर रद्द भी कर दिया गया। हमने तमाम शिक्षा का अभ्यर्थियों से बातें भी की कि अब तो पेपर रद्द कर दिया गया, अब क्या कुछ कहिएगा आगे? इनका साहब साहब कहना था कि पेपर रद्द हुआ है तसल्ली ज़रूर मिला है लेकिन अभी खुशी नहीं है क्योंकि सिस्टम के अंदर जो बड़ी मछली बैठी है जब तक उसको पकड़ा नहीं जाएगा तब तक ये पेपर लीक होने का जो खेल है वो होता रहेगा। और भी क्या कुछ कहना था इन लोगों का वो आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहे, धन्यवाद।